नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेबीज वर्ल्ड इंडिया में। और अभी कुछ टाइम से बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आए कि हम कैसे पता करें कि बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम है या नहीं है, किस उम्र में इस चीज़ का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर एज की बात करें तो उस एज से जिस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा मोबिलिटी करते हैं, जैसे कि जब बच्चा चलने दौड़ने लगता है, तो एक 1.5 साल के बाद जब बच्चे पूरी तरह से भागने दौड़ने लग जाते हैं, उस वक्त इस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हो, घर पे देख सकते हो कि बच्चा क्या एक जगह बैठ के खेल रहा है या फिर कंटिन्यूस वो डिफरेंट टॉयज पे स्विच कर रहा है। कोई भी एक टॉय के साथ अगर बच्चा 3 मिनट से कम खेलता है तो ये ADHD होने का साइन हो सकता है। अगर आप बच्चे को कोई स्टोरी बता रहे हो और स्टोरी सुनते सुनते वो कुछ और ही सोचने लग रहा है, कुछ और देखने लग रहा है और ये बार बार रिपीटेडली हो रहा है, तो ये ADHD का साइन हो सकता है। बच्चे को आप बिठा के अगर खाना खिला रहे हो, 1-2 स्पून खाया और फिर वो वहाँ से भाग गया, 1-2 स्पून खाया फिर वहाँ से भाग गया, कितनी बार भी आप बोल रहे हो, बार बार ट्रेनिंग दे रहे हो, हर रोज़ उसको एक जगह बिठा के खिला रहे हो, उसके बाद भी वो रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो बार बार उठ के भाग जा रहा है, ये ADHD का साइन हो सकता है। बच्चे को जब आप बिठा के पढ़ाते हो तो एक सेंटेंस आपने बच्चे को पढ़ाया या फिर अल्फाबेट से लिखा रहे हो, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो अल्फाबेट्स, तो कुछ सेकंड्स आप बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उसके बाद इधर उधर देखने लग रहा है, कुछ और बोलने लग रहा है या फिर कुछ और सोचने लग रहा है, ये ADHD का साइन हो सकता है। कंटिन्यूस बच्चा सोफे पे, बेड पे जंप कर रहा है, आप कितनी बार भी बोल रहे हो कि बैठ के खेलो या फिर बैठ के TV देखो, लेकिन बच्चा जंप ही कर रहा है, बार बार भाग रहा है इधर से उधर, मतलब एक जगह टिक के कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो ये ADHD का साइन हो सकता है। तो आपको एक बार जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए ताकि वो आपके बच्चे का कंप्लीट इवैल्यूएशन कर सकें और सही थेरेपी स्टार्ट कर सकें। अगला सवाल आता है कि क्या जिस बच्चे को ADHD है उसे ऑटिज़म भी होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे को ADHD है उन्हें ऑटिज़म भी होता है, लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज़म है उन्हें ADHD हो सकता है। ADHD मतलब अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज़म का एक पार्ट है, लेकिन ADHD जिनको है वो ऑटिस्टिक हो, उन बच्चों को ऑटिज़म हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगला एक और सवाल कुछ टाइम पहले आया था कि क्या बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं ADHD में? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है जो इसके बारे में आपको बता सकते हैं कि किस बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब थेरेपी से भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी तरफ से आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई मेडिसिन स्टार्ट करने जा रहे हो ADHD को ठीक करने के लिए, तो मेरी ये राय रहेगी कि आप एक से ज़्यादा डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें, कि आप एक सेकेंड थॉट, जिसे सेकेंड ओपिनियन कहते हैं, ज़रूर लें, यानी कि एक किसी दूसरे बड़े डॉक्टर को, किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ADHD के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं वो सीधा ब्रेन पे असर डालती हैं, और छोटे बच्चों के लिए मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन के तौर पे डॉक्टर्स मेडिसिन का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले एक सेकेंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से ज़रूर लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर करें, पूछें, मैं जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी या फिर उसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।